नमस्कार फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है। जेटेट कक्षा 1 to 5 का सिलेबस है वो मैं समझाने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों जब आप जेटेट एग्जाम लिखते हो तो उसमें खोटा भी आपको पढ़ना है, मतलब क्षेत्र लैंग्वेज में जिन्होंने भी खोटा रखा है। पर ये जो खोटा लैंग्वेज है आपका उत्तरी छोटा नागपुर में बोली जाती है, जेटेट में आपका 30 मार्क्स का खोटा है। ठीक, यानी आपको एक क्षेत्र लैंग्वेज चूज करना है जिसमें आपको 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे खोटा से, यानी जो भी क्षेत्र लैंग्वेज रखोगे। क्षेत्र लैंग्वेज टोटल 15 है। ठीक है, अगर आप जेटेट का तैयारी कर रहे हो तो आप जानते होंगे कि जेटेट में टोटल जो आपको 15 लैंग्वेज है उनमें से आपको एक लैंग्वेज चूज करना है जो क्षेत्र लैंग्वेज के नाम से जाना जाता है। तो यदि आप खोटा के मतलब कि क्षेत्र लैंग्वेज में खोटा रखे हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो देखिए, ये जो 3 नंबर है दोस्तों, इसमें आपको यही बुक पढ़ने हैं। सिंपल सा मैं आपको बता दूं, अगर आपको जेटेट निकालना है तो आप यहाँ से कोई इसमें भी टच करना है। इसमें टोटल 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें से भी आपको खंड में आपको का जो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, मिनिमम मार्क्स पार करना है। जैसे कि 30 का मान लीजिए आप ओबीसी है तो 30 का आपको 35% मार्क्स लाना है। ठीक है, 30-35% मार्क्स आप लोग जोड़ लीजिए, कितना होगा? 10.5 नंबर आपका हो। ठीक है, तो 10.5 नंबर आपको इससे भी लाना है तभी आप पास माने जाओ। और आपका जो कट ऑफ मार्क्स है 82 मार्क्स आपका पास है, 55% मार्क्स आप हो तो जनरल कैटेगरी में हो तो आपको 90 नंबर लाना है, मतलब जेटेट में, तो आप क्वालिफाई माने जाओगे, इसको क्वालिफाई कर पाओगे। मेरा कहने का मतलब है खोटा का आज मैं सिलेबस चर्चा कर रहा हूँ कि आखिर खोटा में क्या क्या पढ़ना है। देखिए, अभी देख नहीं, इस पे कोई सिलेबस जारी नहीं किया, झारखंड सरकार ने कोई सिलेबस जारी नहीं किया। तो पुराने सिलेबस को के माध्यम से आप लोग पढ़ सकते हो। और ये देखिए, यहाँ पर जो मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ, ये 10th स्तर का सिलेबस है। जो जितने भी बाहर में 10th स्तर की आती है उसमें यही आपको पढ़ना पड़ता है, यानी मैट्रिक स्तर में ये बुक पढ़ाया जाता है। मैट्रिक में जो भी बच्चा खोटा पढ़ता है तो ये सब बुक पढ़े पढ़ता है। ठीक है, तो आप लोग देखिए, यहाँ पर खोटा में आपको इतना सा मात्र 2 बुक पढ़ना है। यहाँ गद्य भाग लिखा है, तो ये जो बुक है दोस्तों खोटा गद्य पद्य संग्रह, खोटा गद्य पद्य संग्रह, इसको आप लोग सहायक आचार्य में भी काम देगा दोस्तों। जब आप सहायक आचार्य का एग्जाम लिखोगे, इस बार जो सहायक आचार्य का एग्जाम हुआ उसमें भी आपको ये बुक पढ़ना है। मैंने इसके नोट्स भी बनाए थे दोस्तों और काफी बेचा भी, फिर उसके बारे में बाद में बताऊंगा। खोटा गद्य पद्य संग्रह आपको पढ़ना है, जिसके प्रकाशक है खोटा साहित्य सांस्कृतिक परिषद बोकारो से, ये बुक मतलब प्रकाशित हुई है। और दूसरा बुक जो पढ़ना है ये धूल झिरोल फूल। हम बोलिएगा कि इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो देखिए, खोटा ये जो है खोटा गद्य पद्य संग्रह में जो है दोस्तों ये वाला बुक, ठीक है, ये वाला जो बुक है इसमें आपको क्या है कि आपको सिर्फ गद्य भाग पढ़ना है। गद्य मतलब होता है दोस्तों जिसमें कहानी होता है, नाटक होता है, एकांकी, लघु उपन्यास, ये सब पढ़ना है। लेकिन एग्जाम में कभी कभी देखा जाता है दोस्तों कि आपको सिर्फ गद्य भाग पढ़ना रहता है, लेकिन एग्जाम में कभी कभी पद्य भाग भी देता है। अगर आप बोलिएगा कि उसको भी पढ़ना है तो पद्य भाग, पद्य मतलब कवित्व, में आपको पढ़ा दिया जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें कहानी है, इसमें टोटल मेरे हिसाब से 13 है, 13 13 कहानी है। ठीक है, नया बुक में, पुराना बुक में इससे भी कम था, तो उसको 13 बुक कहानियां पढ़ लेनी है। और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे उसके आपको एमसीक्यू भी यहाँ करवा दिए जाएंगे, एमसीक्यू आपको नेट करवाए जाएंगे दोस्तों, टेंशन मत लीजिए, है ना। और देखिए, धूल है झिरहुल फूल, यहाँ पर बोलिएगा ये बुक आपको पढ़ना है। एक बुक है इसका भी गद्य भाग पढ़ना है, इसमें भी गद्य पद्य दोनों है, लेकिन आपको गद्य भाग पढ़ना है। धूल डायर झिरहुल फूल मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपको थोड़ा सा बता दूं। शीर्षक है, झिरहुल फूल एक फूल है जो जंगल में पाया जाता है, पीला पीला कलर का होता है। इसके बारे में मतलब इसमें कहा जाता है कि देखिए, ये जो रूट है जो फूल पहने का, मतलब इसमें जो जितने भी फूल है, ठीक है, जितने भी कहानी है या कविता है जो भी इस बुक में है उन्हें को इस फूल के रूप में इंगित किया गया है, यानी उसके अंदर का जो कहानी है उसको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हो गया, मैंने आपको 2 बुक बता दिया कि ये दोनों बुक पढ़ना है सिंपल सा। आप तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि देखना चाहते हो तो आप हमारे वेबसाइट में जाके देख सकते हो। अब आगे पढ़ना है दोस्तों व्याकरण, संज्ञा सर्वनाम कारक लिंग निर्णय, निर्णय तो मैं बता दूं, जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो व्याकरण, वो व्याकरण और ये जो खोटा के व्याकरण है दोस्तों,
दोनों में डिफरेंस है। ऐसा मत समझिएगा कि हम हिंदी पढ़ लिए तो वही वही व्याकरण इसमें भी है। नहीं दोस्तों, दोनों में डिफरेंस है, मतलब उतना भी डिफरेंस नहीं है लेकिन हल्का हल्का डिफरेंस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता दूं, वाइच, आप तो वाइच पढ़ते हो, तो वाइच को ऐसे लिखते हैं हिंदी में, लेकिन उसको छोटा में हम लोग वाइच ऐसे लिखते हैं। एक पे झा देखे, यहाँ पर लिखा भी हुआ है दोस्तों, छोटा साहित्यिक सदानिक व्याकरण एक पे झा, ये जो राइटर है इन्हीं का बुक आपको फॉलो करना है। क्योंकि और भी राइटर है, जैसे कि बी ए नौदार नाम का आप लोग नाम सुने होंगे, बी ए नौदार जो रामगढ़ में कहीं है, मेरे ही जिले के ये है, शेखर इनका गांव, इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा भी था क्वेश्चन, बी ए नौदार है। फिर दिनेश दिनमणि जो रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं और भी कहीं पढ़ाते होंगे, ठीक है, ये सब ठीक है। तो आपको किस राइटर का बुक फॉलो करना है, आप पहले किताब पढ़ोगे तो सही राइटर का बुक पढ़ना, तब आपका मतलब कि सही क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे, नहीं तो तुम बड़ा क्वेश्चन पे टिक लगा के आ जाओगे आंसर, तो फिर आपको बाद में दिक्कत होगा। क्योंकि जब आपको देखा जाएगा कि क्या सही है, तो जिस राइटर का बुक आपको पढ़ने बोला जाएगा वही सर्वमान्य माना जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी खत्म हो गया। उसके बाद आगे देखिए, खोटा व्याकरण में फिर वासुदेव महतो का भी नाम लिया, यानी इसका भी बुक आप पढ़ सकते हो, ये दोनों बुक लेके पढ़िएगा। फिर देखिए निबंध आ गया है, निबंध यहाँ पर कुछ नहीं है, निबंध जो है सहायक ग्रंथ, यानी अभी खोटा में जो अभी फिलहाल में करंट अफेयर्स मान के सबसे, उसको करंट अफेयर्स में क्या क्या हो रहा है, किसको क्या पुरस्कार मिले, सब है, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी बात, ये संपादक मंडल कुमारी शशि, विनोद कुमार, बी एन ओदार, सभी का नाम यहाँ पर लिखा है, ये सब का बुक, या सब मतलब किसी ना किसी माध्यम से जितने भी राइटर हैं इन दोनों बुकों में उन लोगों का कुछ ना कुछ मतलब योगदान है, इसलिए उनका नाम लिखा हुआ है। तो ये सब है झारखंड स्टेट, ठीक है, JH TET कहा गया है, JET TET 2024 का कोटा का सिलेबस, सिंपल सा बात है। अब इसको आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे नहीं, ये आप लोग अभी अभी जो नए बच्चे जो फिलहाल जो DLED किए हैं या BED किए हैं उनको उतना पता नहीं होगा, लेकिन उनको देखने वाला बहुत इजी है, लेकिन यदि आप पहली बार कोटा पढ़ रहे हो तो इजी नहीं है दोस्तों। अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो इजी नहीं है, इसको पढ़ना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि हम तो बचपने से खोटा पढ़ रहे हैं तो हम खोटा को आसानी से कर लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो बस यही सिलेबस था, इसको पढ़ना है और आपका 30 मार्क्स हो जाएगा, 30 में 30 लाओगे दोस्तों, मैं गारंटी देता हूँ। मैं जो पढ़ा रहा हूँ ये सब सारा क्लियर करा दूंगा आपको प्रैक्टिस सेट के साथ, तो आपका पूरा किताब आता है उसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है दोस्तों।